अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे डीएम आ रहे हैं मुझे कि सर ये बताएं कि डीएचएमएस करना चाहिए, बीएचएमएस करना चाहिए, कौन सी फील्ड अच्छी है। होम्योपैथिक के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बेस्ट वीडियो आपके सामने बना चुका हूँ इसके मुताबिक, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ कि डीएचएमएस करना चाहिए, बीएचएमएस करना चाहिए। अक्सर बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर ये बताएं कि डीएचएमएस या बीएचएमएस के बाद क्या करना चाहिए। तो ये अक्सर सवाल होता है। देखें, सबसे पहले तो आपकी डायरेक्शन, आपकी सिम्ट का सही होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे अपने दोस्तों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने एमबीबीएस किया, उसके बाद उन्होंने एमबीए कर लिया, उसके बाद उन्होंने एमफिल कर लिया और उसके बाद घर में बैठ गए। तो ये सिर्फ डीएचएमएस होम्योपैथी के साथ नहीं, ये हर फील्ड के साथ है। मैं अपने एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद किसी बैंक में चले गए। मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूँ कि जिन्होंने होम्योपैथी के अंदर पूरे पाकिस्तान में पोजीशन हासिल की और उसके बाद वो बैंक में नौकरी करने लग गए। तो सिम्ट का तायुन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसे बेस्ट लोगों को जानता हूँ, आपको लिस्ट बना सकता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ होम्योपैथिक किया, आगे उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बनाया है इसी होम्योपैथिक के ज़रिए। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपकी सिम्ट का तायुन होना बहुत ज़रूरी है। आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपने क्या वाकई होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, डीएचएमएस करना है या आपके सारे दोस्त बन रहे हैं आपने इसलिए बनना है। ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एक होती है ना भीड़ चाल, यार सब कह रहे हैं तो हमने भी वो कर लेना। एक जब बीएचएमएस आ गया तो एक वो हो गया कि भाई सब ने बीएचएमएस करना है तो मैंने भी करना है। मैं ऑलरेडी डीएचएमएस हूँ लेकिन मैंने फिर भी बीएचएमएस करना है, बीएचएमएस करना है। तो क्या आप भीड़ चाल के लिए कर रहे हैं बीएचएमएस या आप वाकई करना चाहते हैं? आपकी इंजन ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे याद है जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, हम जब मैंने साइकोलॉजी में जब बीएस कर रहा था यूनिवर्सिटी से, तो हमारी मिस अक्सर एक सवाल करती थी जब सेशन होता था। वही कहती थी, हर बच्चे से इंडिविजुअल सवाल करती थी और पूछती थी कि बेटा ये बताओ तो अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? मतलब अभी जो तुम नफ्सियात की तालीम हासिल कर रहे हो या कोई भी तालीम हासिल कर रहे हो, तुम इसके 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? मतलब तुम्हारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही सवाल मैं करना चाहता हूँ आप सबसे कि अगर आप सोच रहे कि आपने डीएचएमएस करना है या बीएचएमएस करना है, तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? अगर आप कहें कि सर यहीं देखते हैं, तो फिर आप पैसा और टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें, एक कहलाता है एक्चुअल सेल्फ और एक कहलाता है आइडियल सेल्फ। एक्चुअल सेल्फ ये कि आप अभी कहाँ पे, और आइडियल सेल्फ ये कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का तायुन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डीएचएमएस हो या बीएचएमएस, दोनों करने के बाद ये दोनों एक स्किल है। सबसे पहले तो आपको ये समझना, होम्योपैथिक इज़ ए स्किल। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि कोई अगर जो है वो सर्जरी में, आजकल तो बहुत वाइड फील्ड आ गई, सर्जरी में बीएस करता है तो सर्जरी इज अ स्किल, उसको ऑपरेशन करना आ जाए। कोई अगर बीएसएन यानी कि नर्सिंग करता है तो वो भी एक स्किल है। आप समझ रहे ना, ये एक स्किल है। और ये एक ऐसी स्किल, हमेशा याद रखें, स्किल कभी भी रायगा नहीं जाती, बेशक ये कि आपको आती है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी और उसको रोड बनाना नहीं आता, तो आप बताएं क्या उसको नौकरी मिलेगी? उसको हरगिज नौकरी नहीं मिलेगी। इसी तरह आप डीएचएमएस और बीएचएमएस को समझ, ये कोई वो नहीं है कि मतलब पीएचडी की डिग्री है और इसके बाद आपको भाई सारी चीज़ें हैं, आप अगर उस तरह से लेंगे तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। डीएचएमएस और बीएचएमएस एक स्किल है। किस चीज़ की स्किल है? ये एक ऐसी स्किल है कि ये स्किल हासिल करने के बाद आप पेशेंट देख सकते हैं, आप इलाज कर सकते हैं, आप दवा दे सकते हैं। होम्योपैथिक की दवा, एलोपैथिक की दवा देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। होम्योपैथिक की दवा, और हम क्यों दें एलोपैथिक की दवा जबकि इसमें सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है? तो डीएचएमएस या हो या बीएचएमएस हो, ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल है जिसको हासिल करने के बाद आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि आप क्लिनिक खोल सकें और आप होम्योपैथिक का इलाज कर सकें। होम्योपैथिक में बेस्ट ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है कि जैसे कि सोरियासिस है, एक्नी है, पीआईडी है, इनफर्टिलिटी है, जिसके हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद। मतलब ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है कि जिसके कस्टमर और क्लाइंट ऑलरेडी मौजूद है। मिसाल के तौर पे आज के दौर में अगर कोई एसी बनाना सीखता है, बहुत अच्छी बात है, एसी हर घर में है, ऑफिस में क्लाइंट मौजूद है ना, उसी तरह अगर आप होम्योपैथिक सीखते हैं ना, तो ये एक स्किल है। जिस तरह से वो स्किल है, आप इसको स्किल करा लें। अब कोई अगर एसी बनाना सीख गया भाई, उसके बाद वो कह रहा है मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अरे भाई क्या तुमने स्किल इसलिए सीखी थी कि तुम्हें नौकरी करनी पड़े? तुम अपना फेसबुक पे एक ऐड लगा दो कि तुम्हें एसी बनाना आता है। कितने हजारों लाखों लोगों के घरों में एसी लगा हुआ है, क्या आपसे एसी के लिए रब्ता नहीं करेंगे?
आपको घर बैठे आपको नौकरी से ज्यादा मिलेगा। आप थोड़ा बड़ा होकर सोचे ना, क्यों आप नौकरी नौकरी के पीछे पड़े में, क्यों आप नौकर बनना चाह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो बाहर की जो कुव्वतें हैं उसका गुलाम है। तो एक गुलामी के मुल्क में जब आप रहते हैं ना, तो आपकी सोच गुलामों वाली होती है। तो आपको एज ए स्किल लेना है, जब आप होम्योपैथिक को एज ए स्किल लेंगे, स्किल सीखेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सब मिलेगा। अब ये कैसे करें, इसके लिए हमने दो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, डर्माटोलॉजी और गायनेकोलॉजी का। वो डॉक्टर, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं या डॉक्टर बन चुके हैं, उनको हम सिखाते हैं कि कैसे आपने अपनी स्किल को एग्जीक्यूट जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को ग्रूम करेंगे। अगर आप हमारे कोर्स कर लेते हैं तो आप में सेल्फ ग्रूमिंग आएगी, आप सीख जाएंगे कि कैसे अपनी पढ़ाई को अप्लाई करना है, कैसे इस पढ़ाई के ज़रिए हज़ारों लाखों मरीज देखने पूरी दुनिया में, और कैसे पैसे कमाने, एक हैंडसम अमाउंट कमा के सेट होना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत करामत रहेगी। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।